Correspondents Girish Nishana and Rishi Kumar actually tracking the situation as far as the smog in the city is concerned. Girish and Rishi, good morning, both of you. Rishi, I'm coming to you first. You know, in our report just now, we talked about the slew of measures that the Delhi government as well as the center has taken to contain this smog situation in the national capital. But since you're there reporting, what are the reactions that you're picking up from the Delhiites and as far as the smog cover at around 8 this morning is concerned, what are you picking up? Give us more details. देखिए नैन्सी, जहाँ तक का अभी दिल्ली की जो पॉल्यूशन का जो हालात है, जो जो पॉल्यूशन जो इंडेक्स है वो ये बता रहा है कि जो दीपावली के बाद जो स्थिति थी वो लगातार बनी हुई है। और आज अगर हम बात करें तो आनंद विहार आज भी 999 के जो AQM है उसके स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली में RKpuram 906 और वहीं पंजाबी बाग 910, और जो स्थिति है अगर हम बात करें मंदिर मार्ग की तो 845। तो कुल मिलाकर जो 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 प्रदूषण का स्तर है, जो एयर पॉल्यूशन की जो पोजीशन है वो लगातार उसी तरीके की है। जहाँ तक लोगों की बात करें तो लोग इस समय बेहद खफा हैं इस बात से लेकर कि सरकार के द्वारा जो प्रयास होने चाहिए थे वो बहुत देरी से हुए हैं, और दिल्ली की जो अनवरत समस्या बनी हुई है और इस साल जो उन्होंने भयावह स्थिति देखी है, ख़ास तौर से जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें कि हम दिखा रहे हैं कि ये जो पोल्यूशन लेवल है किस तरीके से नुकसानदायक हो सकता है। अगर हम बात करें जो PM 2.5 और PM 10, ये दोनों के जो इम्पैक्ट्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं 2.5 हमें शॉर्ट टर्म हमें जो लॉसेस है वो देता है, तो वहीं PM 10 हमें लॉन्ग टर्म यानी कि जो लंग कैंसर है उस तरीके की बीमारियां भी दे सकता है। तो इन सब चीज़ों से दिल्ली के लोग बेहद चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि इस सब मामले में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बने, और हर साल जो उन्हें ये झेलना पड़ रहा है और ख़ासतौर से इस साल कम से कम अगली बार उन्हें ये स्थितियों का सामना ना करना पड़े। All right, Rishi, you mentioned about the long term policy, and that's what my next question is, that you know, although these measures for now that have been announced and we have those in front of us, but what's really the long term solution and what long term impact will these measures really have in containing this menace year after year? देखिए नहीं जी, जहाँ तक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात करें तो वही इसका समाधान है, क्योंकि अगर हम कहें कि हमने स्कूल बंद कर दिए हैं 3 दिनों के लिए या हमने 5 दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क बंद कर दिया है या 10 दिनों के लिए हमने बदरपुर का जो पावर प्लांट है वो बंद कर दिया है, तो ये एक शॉर्ट टर्म है, या हम कहें कि ईवी नॉट लेकर आ जाएंगे। हमें दिल्ली के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। हम जानते हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से जो पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेशन है, इतने कम इलाके में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर रह रहे हैं, तो वहाँ पर अगर छोटी सी भी जो पॉल्यूशन या जो भी इन्फेक्शन है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। और हमने दुनिया के अन्य देशों में जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें इस तरीके की भयावह स्थितियों को हमने देखा है। 1992 में लंदन में जो पॉल्यूशन की वजह से असमय मौत हुई थी वो हज़ारों की संख्या में थी। तो कुल मिलाकर हमें ये देखना होगा कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे जो पॉल्यूशन हो रहा है उस पर किस तरीके से नियंत्रण परमानेंट होना चाहिए। वो साथ ही साथ दिल्ली और दिल्ली के आसपास कहीं भी कोई भी निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, जो ईंट निर्माण के कार्य को लेकर जो जो भट्टे हैं वो जो चलाए जा रहे हैं उसमें से कितना पॉल्यूशन निकल रहा है, कितना धुआं निकल रहा है, उस पर कोई चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए। और दिल्ली के अंदर जो डस्ट है उसको लेकर हम आपको बताएं कि दिल्ली सरकार के आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने अभी तक 2 जो वैक्यूम मशीन्स हैं जो सड़कों पर साफ करने वाली हैं वो अब तक 2 ही खरीदी हैं। आपको लगता है कि दिल्ली जैसे शहर के लिए सिर्फ 2 मशीनें काफी हैं? क्योंकि ये जो पॉल्यूशन है पहली बार नहीं है, पहले हम ईवी नॉट के रूप में इसको देख चुके हैं, झेल चुके हैं। लोग कहते हैं कि क्या सिर्फ ईवी नॉट से ही इसका समाधान होगा, यह एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा कि जो भी पॉल्यूशन है, जो ट्रक्स हैं, जो बसेस हैं, जो डीजल की गाड़ियां हैं जो लगातार दिल्ली में रात में खासतौर से प्रवेश करती हैं, उनका स्तर क्या है, उनको कैसे रोका जाए, या अगर वो आते हैं तो उनके मानक क्या होने चाहिए। तो कुल मिलाकर एक परमानेंट सॉल्यूशन की ओर ही बढ़ना होगा, तभी दिल्ली सेफ और सुरक्षित कही जा सकती है। Well, yes, Rishi, thanks very much for joining us for the moment and sharing all those details with us. Well, yes, so the capital's worst smog in 17 years, the entire Delhi and the NCR region literally choked due to the smog cover. Well, these meanwhile remain just the temporary measures for now, but remains to be seen what the long-term impact and the long-term permanent solution to this menace is actually found or not.
a little bit of respite there. In fact, there are some media reports suggesting that the IMD's latest advisory in the forecast says that Wednesday we might get to see clear skies. Let's keep our fingers crossed for that. But